हाई एवरीवन, मैं सुहानी, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि विंटर में हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा फ्रिजी उलझ जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं और दो मुँहें होना तो एकदम फिक्स है। विंटर में बहुत ज़्यादा बालों का प्रॉब्लम जो है बढ़ जाता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं किस तरीके से अपने बालों को केयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपको दो गाजर लेना है, अगर आप तीन या चार लेना चाहते हो तो भी सही है, आपको अपने बालों के लेंथ के हिसाब से लेना है। तो मैंने यहाँ पे दो ही गाजर लिया है क्योंकि आज गाजर मेरे घर में सिर्फ दो ही था। तो इस तरीके से हम अपने गाजर को क्रश कर लेंगे और साफ कोई भी कपड़ा लेके हम सारे गाजर को उसमें पोटली की तरह बांध लेंगे। और अब आपको एक कप लेना है और पूरे गाजर का जूस को इस तरीके से आपको कप में निकाल लेना है। ध्यान रखें, आप जब भी इस तरीके का कोई भी प्रोसेस करें तो हमेशा साफ़ कपड़ा ले, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप कप ले, कटोरी ले या फिर कपड़ा हो, हमेशा साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपके पास जूसर है तो आप जूसर से भी जूस निकाल सकते हैं। सबके घर में जूसर नहीं होता है इसलिए मैंने ये प्रोसेस दिखाया। और उसके बाद आपको इस तरीके का साफ बॉटल लेके सारे जूस को भर लेना है। और इसके बाद हम अपने बालों पे ये जूस जो है स्प्रे करके अप्लाई करेंगे। आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें और उसके बाद दो पार्टीशन करके अपने बालों में ये जूस जो है अप्लाई करते जाएं। स्प्रे करते हुए ध्यान रखें, आप कभी भी कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं अपने बालों में तो उसको पहले जड़ों में अप्लाई करें, क्योंकि बाल जो है हमारे जड़ में ही बंधे रहते हैं, मतलब वहीं है उनका असली जड़ जो है वहीं है। तो वहीं हमें पानी, खाद जो भी है, जिस तरीके से हम पेड़ में देते हैं, वहीं पे पहले अप्लाई करना ज़रूरी है। उसके बाद हम अपने बालों के एंड में अप्लाई करेंगे। तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, लॉन्ग, थिकर बनाने में बहुत ही हेल्प करता है गाजर। तो आपको अपने बालों के जड़ में अच्छे तरीके से मसाज करना है अप्लाई करने के बाद। और वैसे ही आधे घंटे के लिए गाजर के जूस को अपने बालों में वैसे ही छोड़ दें। और उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है और कंडीशनर अप्लाई कर लेना है। ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया, अगर आप अपने बालों को थिक, सुंदर और सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो आप जो ये जो है मेथड फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आपको पता है ना, आपको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। मिलती हूँ मैं अपने अगले एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।